दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट डज मीन ऑफ 10003 ऑन एमसीबी। दोस्तों हमारी जो ये एमसीबी है इसके ऊपर आपने कई बार देखा है किसी पे 10000 यहाँ पे लिखा होता है, किसी पे 1000, किसी पे 7000। और दोस्तों एमसीबी ही नहीं, ऐसे कोई भी हमारे जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे ये तो हमारे सामने का एमसीबी है, पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक आरसीसीबी भी लाया हूँ जिसका पूरा नाम रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। तो दोस्तों ये है जो हमारी जो रेटिंग होती है 10000/3 लिखा हुआ है, या फिर इसके अलावा ऐसे भी लिखा हो सकता है 6 किलो एम्पियर, फिर बाद में कोष्टक में होगा 3, 2, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको इसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। अब दोस्तों जैसे ये हमारी एमसीबी है ना, अब दोस्तों ये जो 10000 लिखा हुआ है ना, इस 10000 के सामने आप एम्पियर भी बोल सकते हो, यहां पे 10000 एम्पियर, ठीक है, ये 10000 एम्पियर ही है। तो दोस्तों ये जो अब आप बोलेंगे कि C63, एक तो लिखा हुआ है C63, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 10000, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 10000 के साथ में 3 नहीं लिखा हुआ है, अब आप बोलेंगे यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो हमारी लीगरेंट की एमसीबी है, ये एमसीबी का जो मॉडल नंबर है इसी में इन्होंने शो कर दिया है कि इसका जो क्लास है, ये जो होती है ना दोस्तों 3 लिखा हुआ है, ये इसकी क्लास होती है। अब आप बोलोगे जो ये सी लिखा हुआ है, ये सी भी इसकी क्लास है, बिल्कुल सही दोस्तों। ये जो सी लिखा हुआ है यानी जो C63 लिखा हुआ है, ये C63 भी इसकी क्लास है, सी तो इसकी क्लास है, और जो 63 लिखा है ये 63 इसकी ओवरलोड की सेटिंग है। इसी तरह दोस्तों जो 3 है ना, इस 3 का मतलब भी इसकी क्लास होता है। पर दोस्तों ये जो क्लास होती है ना, ये इसकी शॉर्ट सर्किट के लिए होती है। अभी क्या होता है आप थोड़ा इसको समझ लीजिए। आपको पता है कि हमारी जो एमसीबी होती है वो हमको दो तरीके की प्रोटेक्शन देती है, एक देती है हमको ओवरलोड पे प्रोटेक्शन और एक देती है हमको शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन। तो दोस्तों जो ओवरलोड की जो प्रोटेक्शन होती है उसके क्या फायदे है, वो सारा इसी के अंदर ही फिनिश हो जाता है। जो लिखा हुआ है ना C63, इसी तो दोस्तों किसी पे लिखा था C32, तो इन दोनों के अंदर ही ओवरलोड की पूरी बातें खत्म हो गई। एक और हो जाती है हमारी शॉर्ट सर्किट। तो दोस्तों ये जो चीज है हमारे शॉर्ट सर्किट के लिए भी बताता है, और दोस्तों शॉर्ट सर्किट तो बताता ही है, इसके अलावा ये चीज हमको ये भी बताती है कि हमारी जो एमसीबी या फिर हमारे जो भी डिवाइस है, जैसे हमारे जो एक तरह का डिवाइस है, तो ये डिवाइस हमारा ज्यादा से ज्यादा कितना एम्पियर को झेल सकता है, तो वही चीज ये बता रहा है। तो दोस्तों अब जैसे ये तो 10000 लिखा है, अगर इसको टेक्निकल वे में बोले तो ये क्या होता है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं ICN। ये जो है दोस्तों ये ICN होता है। अब ये ICN का मतलब क्या होता है, तो ICN का जो मतलब होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो दोस्तों अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं बिल्कुल आसानी से, क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारी ये MCB है ना, अभी हमारी MCB है, ये RYB3 फेस है इस MCB के इनकमिंग में दिए, और ये RYB इसके आउटगोइंग से निकले, और यहाँ पे हमने एक मोटर को जोड़ दिया। ये हमारी जो MCB है, ये मान लेता हूँ इस MCB पे लिखा हुआ है C63। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारी MCB में से जैसे ही 63 एम्पीयर ज्यादा फ्लो होगा, तो वो MCB क्या कुछ समय के बाद ट्रिप कर देगी, और 63 एम्पीयर से, जैसे ये 63 एम्पीयर की जगह यहां से 70 एम्पीयर निकलने लग गया MCB से, तो ये 70 एम्पीयर निकलने के कारण ये हमारी MCB क्या होगी, ट्रिप करेगी। किस केस में ट्रिप करेगी, ये ओवरलोड के केस में ट्रिप करेगी। 70 एम्पीयर कब जाएगा, जब हमारी जो मोटर है मोटर थोड़ी ज्यादा करंट लेने लग जाएगी, ठीक है। पर दोस्तों ये जो 70 एम्पीयर लेगी तब ट्रिप करेगी, तो वो ट्रिप कितनी देर के बाद करेगी, जैसे यानी 1 सेकंड में ट्रिप कर देगी, 2 सेकंड में ट्रिप करेगी, 3 सेकंड में ट्रिप करेगी, कितने समय के बाद हमारी MCB जो है ट्रिप कर देगी, करंट निकालना बंद कर देगी, तो वो डिपेंड करेगा C के ऊपर। पर दोस्तों ये तो हुई हमारी ओवरलोड के केस में कि हमारी मोटर थोड़ा ज्यादा करंट लेने लगी। पर दोस्तों हमारे एक और फॉल्ट जो होते हैं वो आते हैं हमारे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अंदर जैसे हमारे ये आर फेस वाई फेस आपस में भिड़ गया, या तीनों फेस आपस में भिड़ गया, हमारी केबल कभी कट हो गई, कट होने के केस में क्या हो गया, ये तीनों फेस आपस में टच हो गए, तो ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। अब दोस्तों शॉर्ट सर्किट होता है उस केस में ये थोड़ी होता है, जैसे 63 एम्पीयर की MCB है तो यहां से 100 एम्पीयर निकलेगा या 200 एम्पीयर निकलेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। उस समय क्या निकलते हैं, हमारे 1000 एम्पीयर निकलते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी MCB ये इतनी ताकतवर है कि 1000 एम्पीयर को निकाल सकती है इसके अंदर से, दोस्तों निकाल सकती है, ये लिखा हुआ है इस पर 10000 एम्पीयर। तो दोस्तों ये जो MCB की जो ताकत है, ये MCB की ताकत हमारे 10000 एम्पीयर तक को झेल लेगी। पर दोस्तों ऐसा नहीं कि इस MCB से मैं कंटिन्यू 10000 एम्पीयर दे दूंगा, नहीं दोस्तों, ये हमारे फॉल्ट की कंडीशन में हमारे 10000 एम्पीयर तक के करंट को सेंस कर लेती है और हमारी काम करेगी। अगर इसमें 10000 एम्पीयर से ज्यादा करंट निकलेगा, इस पे जैसे लिखा हुआ है 10000 एम्पीयर, तो इसमें 10000 एम्पीयर से ज्यादा करंट निकलेगा तो ये हमारी MCB काम ही नहीं करेगी। अब दोस्तों यहाँ पे 10000 लिखा हुआ है, अब जैसे हमारी जो ACB आती है, जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है, उन पे अधिकतर इस तरीके से नहीं लिखा होता, उस पे ऐसे लिखा होता है 10 किलो एम्पीयर, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये भी समझ जाना है ये भी 10000 ही है। 10000 कैसे, जो K होता है ना, इस K का मतलब होता है 30, ये K मतलब 30, ये K हटा दिया मैंने तो यहाँ पे 30 कर दिया, तो ये 10000 एम्पीयर हो गया। अगर यहाँ पे M लिखा हुआ है, MA लिखा हुआ है, तो M का मतलब हो जाता है 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे 10 का 10 आ गया जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा M। मतलब अगर कहीं पे आपको M लिखा हुआ है तो M के लिए आपको 60 लगा देना है, अगर आपको K को खोलना है तो K को हटाने के लिए आपको डायरेक्ट 30 लगा देना है, ठीक है। तो 30 लगाते ही आपका K हट जाएगा और ये हो जाएगा 10000 एम्पीयर। तो दोस्तों 10 किलो एम्पीयर लिखा हुआ है कहीं पे या फिर 10000 लिखा हुआ है, 10000 एम्पीयर, तो दोस्तों ये दोनों चीज एक ही है, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों
इसका काम क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया, यह है शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, मतलब जो हमारी एमसीबी है ये शॉर्ट सर्किट में मैक्स टू मैक्स कितने करंट तक ये काम करेगी। दोस्तों 10,000 एम्पीयर अगर इस एमसीबी से निकलेगा तो भी ये काम करेगी, अगर इसके ऊपर से निकलेगा तो हमारी एमसीबी पूरी तरीके से खराब है, काम नहीं करेगी। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारी एमसीबी 10,000 एम्पीयर कंटिन्यू नहीं झेल सकती है, यानी कंटिन्यू आप इसको 10 सेकंड तक दे दो, 15 सेकंड तक देते ही रहो, नहीं झेल सकती। ये हमारी जो एमसीबी की जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से जल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो कितनी देर तक झेलेगी या फिर कितनी देर में ट्रिप करेगी वो डिपेंड करेगा दोस्तों इस पे जो 3 लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो दोस्तों क्या होता है, कहीं पे 3 लिखा हो सकता है, 2 लिखा हो सकता है, 1 लिखा हो सकता है, पर दोस्तों 0 कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं लिखा हो सकता, तो दोस्तों जैसे हमारी एमसीबी है तो ये एमसीबी में से थोड़ा ज्यादा करंट निकलेगा, मतलब शॉर्ट सर्किट के केस में इसमें से करंट ज्यादा निकलेगा, तो पहले एमसीबी को सेंस करने में कुछ समय लगे, चाहे वो मिली सेकंड ही लगे, पर दोस्तों वो कुछ समय लेगी। और दोस्तों जो शॉर्ट सर्किट होता है, ये शॉर्ट सर्किट के अंदर जो एमसीबी ट्रिप करती है मिली सेकंड के अंदर ही करती है। पर दोस्तों हमारी जो एमसीबी की जो रेटिंग है वो रेटिंग अगर ऐसे लिखी हुई 10,000 फिर बाद में बटे में 3 लिखा हुआ है तो मतलब ये हमारी कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिली सेकंड के बाद ट्रिप करेगी। अगर 2 लिखा हुआ है तो ये और जल्दी ट्रिप करेगी, अगर 1 लिखा हुआ है तो ये और जल्दी ट्रिप करेगी। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, ये जो एमसीबी 10,000 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ICN, और जो इसको फुल फॉर्म होगी वो होगी शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, मतलब ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर है शॉर्ट सर्किट के केस में ज्यादा से ज्यादा कितना एम्पीयर को सहन कर सकता है और कितने एम्पीयर तक ये काम करेगा। इसके बाद में जो 3-2 क्लास लिखी हुई है इसकी, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जब ये शॉर्ट सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो होगा तो वो कितने मिली सेकंड के बाद हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सर्किट ब्रेकर की नेम प्लेट से जुड़ी कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं और आप ऐसी जानकारी और लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे, और दोस्तों आपको यहाँ पे जो आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं-10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए, इसके लिए आप गूगल पे जाके सर्च मार सकते हैं engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।